सब्सक्राइब कीजिए सोरिंग फ्रेटवर्क्स चैनल को और बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सोरिंग फ्रेटवर्क्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग कोई भी ऐसा लेसन नहीं सीखेंगे गिटार पे, आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये करने के लिए। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक गिटार। मैंने एक इलेक्ट्रिक गिटार परचेज किया था अभी रिसेंटली। बेसिकली गिटार तो शॉप पे अनबॉक्स हो गया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग का हम लोग ऐसे सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बट हम लोग का जो एम्पलीफायर है वो अभी भी फुल्ली पैक्ड है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करने में काफी ज्यादा मजा आने वाली है। तो सबसे पहले गिटार का हम लोग रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एम्प। तो गिटार बेसिकली मेरे सामने रखा है और अब इससे करेंगे हम लोग अनकवर। सो लेट्स स्टार्ट द अनकवरिंग प्रोसेस। तो ये है बेसिकली फेंडर स्क्वायर स्ट्रेटोकास्टर टाइप गिटार, जिसमें है HSS टाइप कॉन्फ़िगरेशन। HSS का मतलब होता है बेसिकली जिसमें कि हम्बकर हो एक और SS से दो सिंगल कॉइल्स। तो इसमें एक H है एक S है, ये तो ये बेसिकली इस तरह से है HSS, हम्बकर सिंगल कॉइल सिंगल कॉइल। हम्बकर से बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर किसी को रॉक या फिर मेटल पसंद है मेरी तरह, तो ये वाला गिटार परचेज करें, वरना थ्री सिंगल कॉइल्स वाला भी आता है जिसमें इस टाइप की तीन कॉइल्स होती है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसकी फिनिशिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वुड का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पीछे का भी काफ़ी ज़्यादा चिकना चिकना सा अच्छा सा है। इधर ये आपको मिल जाता है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिव रहेगा आपका, कौन सा पिकअप आपका एक्टिव रहेगा किस टाइम पे। और ये बेसिकली हम लोगों के नॉब्स वगैरह हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड वुड का बना होता है तो काफ़ी ज़्यादा हैवी होना ऑब्वियस सी बात है। सो इससे तो कोई आवाज़ आएगी नहीं बेसिकली, जब तक हम लोग अपना एम्प अनबॉक्स नहीं करेंगे तब तक मज़ा कहाँ आने वाली है। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और अपने एम्प की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एम्पलीफायर का, और एम्पलीफायर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए बॉक्स बड़ा है ना। शायद वीडियो में इतना बड़ा लग ना रहा हो आप लोगों को, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये 20 वॉट का एम्पलीफायर है, इसलिए ये इतना बड़ा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फीचर्स हैं और मतलब सारे एम्पलीफायर्स को ये फेल कर देगा अपने आगे। तो ये एम्पलीफायर बेसिकली मुझे पड़ा था 11,500 का, और इतने का ये गिटार भी था, 12,000 का गिटार और 11,500 का ये एम्पलीफायर है, तो अराउंड इक्वली रहा दोनों का प्राइस। तो चलिए अपने एम्पलीफायर को हम लोग जल्दी से बॉक्स के बाहर निकालते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि कैसा है। तो मैं एक नाइफ ले आया हूँ जिससे लोग काट सकते हैं आराम से। तो इस एम्पलीफायर को बाहर निकाल के देखते हैं कैसा है ये। तो ये बाहर आ चुका है हमारा एम्पलीफायर और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर हम लोग मिल जाती है एक यूजर मैनुअल, इसका हम लोग कुछ काम होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ एम्पलीफायर के बारे में। और देखने मिल जाता है एक हम लोगों को चार्जर देखने को मिल जाता है, और ये एक चार्जर है और बाकी बड़ी सारी चीज़ें हैं सिंपल पर्पज के लिए, कार्डबोर्ड एंड फोम वगैरह। तो इस डब्बे में हम लोग रख देते हैं नीचे और इस चार्जर को साइड में रख देते हैं। तो इसको देखते हैं मेन हम लोगों का एम्पलीफायर कैसा है। इसके लिए कवरिंग उतारते हैं पन्नी वन्नी और इसको हम लोग कर देते हैं बाहर। तो इसको फर्स्ट लुक में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एम्पलीफायर, इसका ये टेक्सचर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है छूने में भी और देखने में भी स्पेशली। और ऊपर की साइड में ये सारी कीज वगैरह देखने को मिल जाती है। तो एक बार मैं इसे एक बार स्टडी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ इसमें कौन कौन से फीचर है, उसके बाद हम लोग गिटार से इसको कनेक्ट करके भी एक बार देख लेंगे। Thank you.
एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था वो ये कि इसके साथ दो और चीजें फ्री मिली हैं, वो ये है, सबसे पहली चीज ये है हम लोगों का ट्रेमोलो आर्म होता है, इससे बेसिकली अभी मैं इसका बताऊंगा क्या फंक्शन होता है। दूसरी चीज हम लोगों की केबल है, हर्ट्ज की केबल हम लोगों को मिली है, काफी अच्छी क्वालिटी की केबल है, तो इसको हम लोग कनेक्ट करके एक बार देखते हैं बजा के किस तरह का साउंड करता है ये एम्पलीफायर हम लोगों का। गिटार पे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है मुझे, अच्छी साउंड आएगी, बट एम्पलीफायर का भी मुझे नहीं पता, एक बार मैंने टेस्ट नहीं किया अभी से, तो इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। और इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम वगैरह हम लोग इंक्रीज करते हैं, देखते हैं इस तरह की आवाज़ आती है गिटार में। तो लेट्स चेक इट आउट, काफ़ी कम आवाज़ आ रही है अभी तक। काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है और अभी तक ये हाफ भी नहीं पहुंचा है वॉल्यूम का नीडल, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। पता नहीं वहाँ आप लोगों को सुनाई दे पा रही होगी ये आवाज़ इतनी तेज़ है कि नहीं, बट काफ़ी तेज़ है यहाँ। ट्रेमोलो आर्म से बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं, तो ये हम लोग एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए हम लोग ट्रेमोलो आर्म को यूज कर सकते हैं, तो इसका ये इफेक्ट होता है। तो बेसिकली अभी तो मैंने इसे क्लीन पे बजाया था, अब इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन पे बजा के देखते हैं। सो लेट्स चेक दिस आउट, तो ये कुछ इस तरह से, काफी तेज है ये, तो थोड़ा सा धीमा करना पड़ेगा। अच्छी आवाज़ है इसकी एंड कोई भी इसमें डाउट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्लियर साउंड आ रही है मुझे। और आप लोगों को मुझे नहीं पता कि माइक मेरा उतनी बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा वॉइस तो कैप्चर कर ही लिया होगा। तो इस एम्पलीफायर के अलग अलग फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। ये मैं बजा रहा था ओवरड्राइव 1 पे, अगर ओवरड्राइव 2 पे मैं प्ले करूँ, सो दिस इज ओवरड्राइव 1 एंड दिस इज ओवरड्राइव 2, सो ये उससे थोड़ा ज्यादा क्रंची है। हाँ, क्रंच से ज्यादा है, इसमें क्रंच का भी ऑप्शन, तो अगर मैं क्रंच पे लगाता हूँ साउंड आ रही है। एक है सुपर क्रंच का ऑप्शन, तो सुपर क्रंच पे किस तरह आएगी, तो सुपर क्रंच पे भी हम लोगों का थोड़ा सा ज्यादा क्लियर वॉइस है। अब सुपर क्रंच के अलावा कौन कौन से हैं, ये मैंने चार बता दिया आप लोगों को, और इसके बाद है क्लीन ब्राइट। क्लीन ब्राइट में हम लोगों का अकूस्टिक गिटार की साउंड आती है, इसमें अकूस्टिक गिटार की साउंड आएगी और क्लीन वॉर्म है, काफी दबी दबी सी वॉइस आएगी, काफी ओरिजिनल सी वॉइस आएगी इसमें। इस एम्पलीफायर में इन दो ऑप्शंस के अलावा भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, अगर मैं डीपली जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।